तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बड़ी आग लगी है। कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग लगने की जानकारी और करोड़ों के जांच उपकरण लैब में रखे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में बड़ी आग लगने की जानकारी और करोड़ों की जांच उपकरण। आप समझ सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में होते हैं अलग अलग जांच उपकरण, और ऐसे में ये डर है कि आग वहां से बढ़ते हुए वहां तक नहीं पहुंच जाए और ज्यादा घातक और ज्यादा नुकसानदायक ना हो जाए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, आग बुझाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। तस्वीरें देखिए फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया की तस्वीरें, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बड़ी आग लगी है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बड़ी आग लगी है। कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में बड़ी आग, करोड़ों की जांच उपकरण रखे हुए हैं लैब में। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सत्यनारायण, माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग लगी है और ज्यादा डर की बात इसलिए है क्योंकि कितनी इक्विपमेंट्स वहां पर होते हैं और ऐसे में आग लगने की वजह से ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं क्या लगती हुई नजर आ रही है, या फिर ये आसार है कि जल्द ही आग को नियंत्रण में कर लिया जाएगा? सत्यनारायण जी, देखिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। करीबन 6 दमकलें मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी जो लैब है वहां से आग आगे बढ़ने का प्रयास तो किया था, लेकिन समय रहते जो मेडिकल प्रशासन के पास में समय रहते जो उपकरण थे आग बुझाने के यंत्र थे उससे आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से आग को हल्का सा कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन समय रहते लोग थे वहां से उनको बाहर निकाला गया और तत्परता दमकल की रही जो मौके पर पहुंच गई वो करीबन 6 दमकलें मौके पर मौजूद है जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। चारों तरफ से लोगों को बाहर निकाला गया है जिससे कोई जनहानि ना हो। फिलहाल आग पर 60% काबू पा लिया गया है, जो हालांकि जो लैब से काफी उपकरण जल के राख हो गए हैं उनको भी रिकवरी करने का प्रयास किया जा रहा है जो पड़े हुए हैं। साथ-साथ सबसे बड़ी बात यह की लोगों को बताया गया, ऐसे में लेबोरेटरी के आस पास जो लोग थे जो काम कर रहे थे वहां पर उनको वहां से हटाया गया है। फिलहाल 6 दमकलें आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। माना जा रहा है की 60% आग है उस पर काबू पा लिया गया, कुछ क्षण के अंदर पूरी आग पर काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल सत्यनारायण, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द आग पर नियंत्रण कर लिया जाए। लेकिन सत्यनारायण, क्या कितने बजे घटना सामने आई और उसके बाद में क्या और जानकारी प्रशासन ने दी? क्या वहां पर कोई समय मौजूद था, कोई कर्मचारी था जिसने सूचना दी होगी आग लगने की? बिल्कुल, देखिए जो वहां पर सुरक्षा गार्ड है उसने अपने जो सहायक आचार्य हैं लैब के उनको फोन किया था कि इस प्रकार से अंदर से धुआं निकल दे रहा है। इस प्रकार से जो सहायक आचार्य भाग रहा है उन्होंने गेट खुलवाया, देखा तो आग की लपटें उठ रही थी। ऐसे में क्योंकि वो काफी महंगे उपकरण वहां पर रखे थे तो उनको महंगे उपकरण को बाहर निकाला गया और आज समय रहते जो आसपास के लोग थे उनको वहां से दूर हटाया गया। दमकलों से उतर गई, पुलिस उतर गई और अच्छी बात ये रही कि दमकलें सही समय पर पहुंच गई और लोगों को जो आसपास काम करने वाले लोग थे उनको वहां से हटाकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। माना जा रहा है कि फिलहाल 70% आग पर काबू पा लिया गया है और कुछ ही देर में यानी कि थोड़ी देर में पूर्ण से आग पर काबू पा लिया जाएगा कि लोग यहाँ पर जैसे रहते नहीं है बल्कि यहाँ पर काम करते हैं, सीखने आते हैं। तो ऐसे में उस समय जितने समय आग लगी उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, कुछ ही लोग मौजूद थे, समय रहते उनको बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो उपकरण थे हम बात करें उपकरणों के लाखों रुपए के उपकरण पूरी आग जमीन में जलकर राख हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करेगी कि आज क्यों लगी, किस प्रकार से लगी, लेकिन स्पष्ट यह है कि जो उपकरण बच्चे हैं वहां पर उनको बचाया जा सके। ऐसे में दमकल कर्मी प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द आग को काबू पाने का। ठीक है सत्यनारायण, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी।